कहते हैं मुश्किल घड़ी में जो आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र होता है। एक वक्त ऐसा आया था जब पूरी दुनिया में भारत देश अकेला पड़ गया था। तब फ्रांस एक ऐसा इकलौता देश था जिसने भारत का हाथ पकड़ा था, या फिर कहे जिसने भारत के कंधे पर हाथ रखा था। और मुश्किल समय में जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र की मदद करता है, वैसे ही फ्रांस ने एक सच्चे दोस्त की तरह भारत की मदद की। बता दें, भारत और फ्रांस की दोस्ती 3 दशक पुरानी है। 2023 खत्म होने को है और 2024 शुरू होने वाला है। भारत 1967 से लेकर अब तक फ्रांस को 5 बार गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए आमंत्रित कर चुका है। ये 6ठी बार है जब भारत ने फ्रांस को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए आमंत्रित किया है। वही अगर भारत और फ्रांस के रिश्तों की बात करें तो आपको बता दें, भारत और फ्रांस के बीच सकारात्मक रिश्ते हैं। भारत का फ्रांस के साथ कोई भी मनमुटाव नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि जब भारत में मानवाधिकार और लोकतंत्र को लेकर कई देशों ने भारत पर सवाल उठाए थे, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी शामिल था, लेकिन फ्रांस ने इन देशों की तुलना में भारत के आंतरिक मामलों में बहुत कम दखलंदाजी की। इस वजह से कहीं ना कहीं भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते सही और सकारात्मक है। साथ ही आपको ये भी बता दें, जब 1998 में भारत ने परमाणु ताकत बनाने की ठानी, जब भारत ने अपना विचार दूसरे देशों के सामने रखा था, तब सभी पश्चिमी देशों ने भारत के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। यहाँ तक कि अमेरिका ने तो भारत पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई थी। तब फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करवाने में मदद की थी। रूस के बाद फ्रांस एक इकलौता ऐसा देश है जिसने भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाने में भारत की सहायता की है, और इस प्लांट को लेकर दोनों देशों के बीच आज भी बातचीत जारी है। बता दें, महाराष्ट्र के जेतपुर में लगा परमाणु प्लांट फ्रांस की मदद से ही मुमकिन हो पाया। फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर भारत के इस फैसले का समर्थन किया था। वही अगर बात करें कि 26 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में जो बाइडेन भारत क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन 23 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। इस दौरान बाइडेन अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, जो अब अपने कैंपेन में और अपने शेड्यूल में काफी व्यस्त है, इसीलिए शायद वो भारत नहीं आ रहे हैं। पहला कारण तो ये बताया जा रहा है। दूसरा कारण, दरअसल भारत में कुछ समय पहले एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जहां बाइडेन को नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक डे की परेड के लिए बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस बात पर कोई पक्का जवाब नहीं आया था। उसके बाद अचानक 12 दिसंबर को खबर आती है कि जो बाइडेन गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए भारत नहीं आएंगे। बता दें, गणतंत्र दिवस के समारोह के अलावा जनवरी में क्वाड समिट की एक बैठक होने वाली थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वाड की मीटिंग के लिए भारत ने जो शेड्यूल बनाया था, उस शेड्यूल पर बाकी देशों की सहमति नहीं बनी थी। इस वजह से भारत में क्वाड समिट की बैठक नहीं हो पाई थी। बता दें, बाइडेन के मना करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को गणतंत्र समारोह के लिए न्योता भेजा है। अगर मैक्रों नरेंद्र मोदी द्वारा भेजा गया न्योता स्वीकार करते हैं, तो वो 6ठी बार भारत की रिपब्लिक परेड में शामिल होंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। शुक्रिया।